पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर तीन मूर्ति भवन स्थित नेहरू मेमोरियल से किसी तरह की छेड़छाड़ ना करने का आग्रह किया है। मनमोहन सिंह ने लिखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सिर्फ कांग्रेस के नेता ही नहीं बल्कि पूरे देश के नेता थे। पूर्व प्रधानमंत्री ने मौजूदा प्रधानमंत्री को कहा कि आपकी सरकार एजेंडे के साथ नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी की संरचना में बदलाव करने में लगी है, इसलिए आपसे उम्मीद की जाती है कि आप ऐसा ना करें। गौरतलब है कि मोदी सरकार तीन मूर्ति भवन के अंदर ही देश के सभी प्रधानमंत्रियों से जुड़ा एक संग्रहालय बनाने की योजना पर काम कर रही है। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने 6 साल के कार्यकाल में तीन मूर्ति भवन के साथ छेड़छाड़ नहीं की थी, लेकिन दुर्भाग्य से वर्तमान सरकार एजेंडे के तहत ऐसा कर रही है। इस दौरान मनमोहन सिंह ने अपने खत में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का वो भाषण भी साझा किया जो उन्होंने लोकसभा में जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद दिया था। इस भाषण में वाजपेयी ने नेहरू की जमकर तारीफ की थी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता इंद्रसेन यादव जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। इंद्रसेन, क्या जानकारी मिल पा रही है? अशिका देखिए, बता दूं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वो जवाहरलाल नेहरू के योगदान को मिटाने की कोशिश ना करें। मनमोहन ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि नेहरू केवल कांग्रेस के ही नहीं बल्कि वो पूरे देश के थे। उन्होंने कहा कि नेहरू से जुड़े तीन मूर्ति भवन से सरकार छेड़छाड़ ना करे, क्योंकि मनमोहन सरकार भी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भी तीन मूर्ति भवन से कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। और जिस तरह से अब ये सामने बात आई है कि मोदी सरकार तीन मूर्ति भवन से छेड़छाड़ करने जा रही, तो उसको लेकर मनमोहन सिंह ने जो चिट्ठी लिखी है तो उसमें थोड़ा सा गुस्से का भी इजहार किया है। उन्होंने सरकार के एजेंडे के तहत नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी के स्वरूप और उसकी संरचना को बदलने में लगी हुई है। पत्र में मनमोहन सिंह ने लिखा है कि नेहरू न केवल कांग्रेस बल्कि पूरे देश से संबंध रखते थे। और सिंह ने साथ ही पूछा भी है कि तीन मूर्ति भवन को क्या बिना बदलाव किए छोड़ा जाएगा। बीते हफ्ते में भेजे गए इस पत्र में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र भी किया है। उन्होंने कहा कि जब पीएम थे तो उनके 6 साल में कार्यकाल में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में तीन मूर्ति परिसर में बदलाव करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से वर्तमान सरकार एजेंडे के तहत ऐसा कर रही है।